संगीत तो सिर्फ बच्चे सीख सकते हैं। बचपन में ही सीख लिया होता तो बढ़िया रहता, अब तो उम्र निकल गई है। मैं 40 का हो चुका हूँ, क्या अब भी मैं संगीत सीख सकता हूँ? मैं घर की जिम्मेदारियों में ज़रा व्यस्त रहता हूँ, घरेलू महिला हूँ भले ही, क्या मैं भी संगीत सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ? ये जो बहुत सारे सवाल आते हैं सीखने से पहले, सीखने के दौरान, हर एक व्यक्ति के मन में होते हैं। इवन 20-20 साल का अगर कोई हो जाए तो भी पूछना एक बार शुरू करता है कि क्या मुझे देर तो नहीं हो गई, क्या एम आई ऑन टाइम, क्या अब भी वक्त है कि मैं सीख सकता हूँ? क्योंकि लोग तो कहते हैं सीखने में इतने साल लग जाते हैं, सीखने में उतने वर्ष लगते हैं, इतना समय लगता है। इसीलिए ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या अब भी हम संगीत सीख सकते हैं या सिर्फ बच्चे ही संगीत सीख सकते हैं। तो आज ये वीडियो देखिए। वैसे तो कुछ वक्त पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो दिया था, लेकिन आज फिर से अपनी हाल की समझ अनुसार मैं कोशिश करूंगा आपके इस गुत्थी को सुलझाने की। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही। अभी कुछ वक्त पहले मैंने YouTube की कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी, कुछ लिखा था, उस पर कुछ लोगों के मतभेद हो गए थे। मैंने लिखा था कि संगीत सीखने के लिए नासमझी की उम्र चाहिए होती है, क्योंकि समझदारी में फिल्टर्स आ जाते हैं और छन कर या छंट कर वो चीज़ आप सीखते हैं। तो उस पर कई लोगों ने वाद विवाद किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए या क्या है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से उस चीज़ को लोग समझे नहीं थे, कहने लगे थे कि सीखने का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं। बट ऑफ कोर्स मैं खुद भी यही चीज़ समझता हूँ, लेकिन वहाँ जो मैंने नासमझी की उम्र कही थी उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि बचपन। बचपन और बचपना फ़र्क होता है, तो वही फ़र्क हमें समझने की ज़रूरत है सीखने के लिए। नासमझी की उम्र यानी वो उम्र जब आप शंकाएँ नहीं करते हैं, जब आप पूर्ण विश्वास कर जाते हैं, किसी पर पूरी तरह से भरोसा करना कि ये बात तो मम्मी ने बोली है तो सही है, यानी मुझे ये फॉलो करनी है, मेरे पापा ने ये चीज़ बोली है मतलब मुझे मानना होगा, ये मेरी फेवरेट टीचर है, मेरी फेवरेट टीचर ने ये चीज़ बोली है, मैं तो ये कभी नहीं करूँगा, मेरे टीचर ने मना किया ये चीज़ करने को। ये नासमझी की उम्र होती है, और ज़्यादातर नासमझी की उम्र बचपन ही होती है। लेकिन ये नासमझी अगर आप आगे की उम्र में भी ला सकते हैं तो हाँ, आप सीख सकते हैं। विद्यार्थी के लक्षण क्या क्या होते हैं उस पर मैंने एक वीडियो दिया था कुछ समय पहले, उसमें भी ये बातें बताई थी, और आज फिर वही बातों को, उन्हीं बातों को दोहराऊंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बच्चे संगीत सीख सकते हैं या बचपन में ही संगीत सीखा जा सकता है। संगीत किसी भी उम्र पर सीखा जा सकता है। इसका प्रमाण है कि मेरे पास 96 की उम्र के भी व्यक्ति आए हैं जो सीख रहे हैं संगीत। 70, 80, 50 हर वर्ग का मैंने लगभग अपने संगीत के करियर में जो अब तक चल रहा है, मैंने एक न एक ऐसे विद्यार्थी से मेरा तारुफ हुआ है जो हर एक उम्र का है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने हर एक उम्र के व्यक्ति के साथ संगीत की शिक्षा का लेन देन किया है, वो उसको अपने एक्सपीरियंस अनुसार कुछ बताने की कोशिश, उससे कुछ सीखने की कोशिश करी है। तो हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है, लेकिन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए तब वो सीख सकता है, या कितना उसको सीखना है, उस पर भी निर्भर करता है। कई लोगों का ये होता ना कि भाई हमें तो, हमारी तो उम्र हो गई तो हमें उतना आगे तो जाना नहीं है, तो आप इतना डिटेल में मत सिखाइए, तो हमारा बच्चा है ये डिटेल में सीख लेगा, आप हमें ज़रा थोड़ा सा ही सिखा दीजिए, भी चार गाने हम गाने लग जाएं। तो उम्र के अनुसार, जैसे कि मैंने एक वीडियो दिया था क्रैश कोर्स ऑफ सिंगिंग जो नहीं होता है, तो उम्र के अनुसार सिलेबस मोल्ड नहीं हो जाएगा, सिलेबस वही रहेगा, लेकिन आपकी निष्ठा, कितने आप कर्मठ हैं, हार्ड वर्किंग हैं, कितने फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, कितने लेस डिस्ट्रैक्टेड एंड मोर कंसंट्रेटेड हैं, एकाग्र हैं, उस पर निर्भर करता है सीखना, उम्र पर नहीं। अगर बचपने की उम्र में भी मेरे पास 10 साल का भी कोई लड़का आता है वो भी नहीं सीख पाता है, और 35 का भी कोई व्यक्ति आता है और वो भी सीख जाता है, उसका कारण यही है कि प्राथमिकता आपने कितनी दी, प्रायोरिटी, कि मैं संगीत को इतना समय देता हूँ
तो विद नियम आपने कितना समय दिया? क्या उतना ही दिया? मैंने डिसाइड कर लिया शेड्यूल में, अगर मैं दिन का 2 घंटा संगीत को दूंगा तो क्या आपने वो 2 घंटे संगीत को दिए रोजाना पूरी ईमानदारी से? अगर नहीं दिए तो फिर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिला हैं, मर्द हैं, जवान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अगर नहीं दिए तो आपको नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर हो जाती है कि कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं जो बचपन में नहीं होती, तो उन जिम्मेदारियों की मुक्ति की वजह से बचपन में ज्यादा समय दिया जा सकता है और सीखा जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में तो ये कहना भी मेरे ख्याल से गलत ही होगा कि बचपन में बच्चों पे जिम्मेदारियां नहीं होती, क्योंकि आजकल तो होती हैं। पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है, पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी होती है। इनफैक्ट परिवार में भी हर रस्म और रिवाज में उनकी उनकी शिरकत, कि वो शामिल हों उसमें, उसकी जिम्मेदारियां भी उन पर होती हैं। तो फिर कहाँ, कैसे संगीत को वह वक्त देगा, कैसे सीख पाएगा? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है कि समय कितना दिया, डेडिकेटेड कितने थे, डिसिप्लिन्ड कितने थे। अगर वो सारी चीज़ें आप इस उम्र में ला सकते हैं, बड़ी उम्र में ला सकते हैं, तो क्यों नहीं सीख सकते आप? कई लोग कहते हैं कि भाई जो ग्रास्पिंग पावर होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, बचपन में थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यूरियोसिटी से ज्ञान आता है और ज्ञान से क्यूरियोसिटी, ये मेरा मानना है। हाँ, स्वाभाविक है, मेरी अभी उतनी उम्र नहीं है, मैं 23 साल का हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि है नहीं, 50 में भी आप सीख सकते हो, बस आपको आप ही नहीं ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो उम्र के साथ ही मुझे समझ आएगी कि भाई 50 में क्या चीज़ महसूस होती है। लेकिन मैं ये बात इस वजह से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 50 की उम्र के व्यक्तियों को देखा है सीखते हुए, उनको सिखाने में मदद करी है। इस वजह से मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ, सीखा जा सकता है। और वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि सीख पा रहे हैं उस उम्र में, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वो डेडिकेटेड हैं, उनमें लगन है, उनमें एक जिद है, वो नियमित हैं। हो सकता है देर लग जाए, बचपन में वो काम जो आपको दिया गया वो जल्दी आप कर लें, और एक उम्र आने के बाद वो काम करने में समझने में देर लग जाए, मगर अंधेर नहीं होती, हो जाता है। एंड इनफैक्ट मैंने तो ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो बड़ी उम्र के हैं, वो जल्दी सीख पा रहे हैं बनिस्बत के बच्चों के, क्योंकि बच्चे लेस कंसंट्रेटेड भी तो होते हैं, ये भी तो सोचिए। लेस डिस्ट्रैक्टेड नहीं कहूँगा मैं बच्चों को, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि चंचल होते हैं, बैठते ही नहीं है कि नहीं? हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बच्चों को डांट कर, फटकार कर, थोड़ा सा गुस्सा करके, ऐसे समझा कर उन्हें ज़बरदस्ती बिठा सकता हूँ, इस वजह से भी बच्चा सीख जाएगा। और ये काम मैं किसी बड़े बुजुर्ग के साथ नहीं कर सकता, इनफैक्ट अपनी हम उम्र के साथ भी नहीं कर सकता। तो ये एक वजह और आ जाती है कि बच्चे ही सीख सकते हैं और बड़े नहीं सीख सकते। तो अगर आप अपने अंदर वो नासमझी ले आए, वो अनफिल्टर्ड ज्ञान लेने की क्षमता आप अपने अंदर पैदा कर दें, तो किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। होता है ना कि यार 50 साल तक एक व्यक्ति की कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को तोड़ पाना असंभव के समान होता है, लेकिन यही अभी अभी 20 वाली उम्र है, 18, 19, 20 की उम्र है, तो इस ये अभी जो मान्यताएं हैं उतनी पक्की नहीं है, कच्ची नहीं है, तो वो मोल्ड हो सकती हैं, मेलिएबल होती है सोच उनकी, बड़ों की नहीं होती। बड़ों में एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आप ही लोगों की बातें बता रहा हूँ कि क्यों बड़े नहीं सीख पाते हैं। तो कई लोगों ने मुझे यही बताया कि भाई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उनमें, कि मैंने जैसे ही बोल दिया कि ये काम आपको करना है, ये ऐसे होता है, तो हम तुरंत उसमें तर्क वितर्क करने लगते हैं कि नहीं, इतना तो नहीं, उतना तो नहीं, हाँ इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। फिल्टर, हम फिल्टर लगा देते हैं। जैसे ही फिल्टर लगे नहीं, सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है और स्पीड भी। बस ये कुछ वजहें हैं। अगर आप अपने अंदर ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, कि जो बचपन में या बचपने में या जो बच्चे में होती हैं, वो क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर ला सकते हैं, तो उम्र बाधा नहीं है, सोच बाधा है। कई बार ये भी होता है, छोटी उम्र के बच्चे बुज़ुर्गों से ऐसी ओल्ड स्कूल सोच रखते हैं, और बड़े उम्र के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो तब भी वो बचपने वाली सोच रखते हैं, वो अपडेटेड रखते हैं अपने आप को, है कि नहीं? भाई मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो बच्चे क्यूरियस होंगे, हाँ मुझे ये जानना है, मुझे ये करना है। बड़े नहीं होंगे कि हाँ ठीक है ना, चलेगा ना यार, इतनी ज़िंदगी निकाल ही दी ना इसको बिना करे भी, तो भी हो गया ना। तो वो ढीलापन कि क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं ना, हो जाएगा, ये जो प्रवृत्ति है, ये अगर बचपने में भी है तब भी आप नहीं सीख सकते। कई बच्चे आए मेरे पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई बच्चा है तो सीख ही जाएगा, नहीं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं।
जिनमें ये प्रवृत्ति होती है कि हाँ ठीक है ना, कर लेंगे, हो जाएगा ना, क्या ज़रूरत है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। बड़े तो शॉर्टकट ढूंढते ही, आजकल बच्चे भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। इसीलिए ना समझे की उम्र चाहिए। वो विश्वास वो बड़ों को इतनी आसानी से नहीं होगा गुरु पे। वो सोच रहे हैं कि यार पैसा दिया है, इतना पैसा दे के इतना सीखा है, अभी तक तो कुछ आया ही नहीं, तर्क वितर्क होंगे, हैं संदेह होगा, वो सारी चीज़ें अगर बच्चे में नहीं हैं, इसीलिए बच्चा सीख पा रहा है और आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं। तो अपने अंदर अपने व्यवहार को वैसा बनाइए, तब आप सीख जाएंगे। जो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी दिया था कि संगीत हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक अंग है और इसके संस्कार लिए जाते हैं, तो क्या आप तैयार हैं संस्कार लेने के लिए? बस इतनी सी बात है। कई बार ये भी चीज़ आ जाती है कि मैं किससे सीख रहा हूँ। जैसे मैं एक 23 साल का लड़का अगर आपको संगीत की कुछ बातें बताता हूँ, बट ऑफकोर्स मैंने, मुझे जीवन में हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं हो, मेरी उम्र अनुसार मुझे जितनी कम नॉलेज है वो है, एंड आई एक्सेप्ट दैट। हाँ, लेकिन मेरे विषय में मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा पता होगा आपसे, क्योंकि मैं इस विषय में ज़्यादा रहा हूँ। दुनियादारी की या बाकी रिश्तों की या बाकी चीज़ों की आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि आपने उसमें समय बिताया। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। नोबडी इज़ अ परफेक्ट पर्सन, कि उसको हर चीज़ की नॉलेज है, सर्वज्ञ कोई भी नहीं है, ईश्वर है। तो ईश्वर तो हम हैं नहीं ना, कि हमें हर चीज़ की नॉलेज होगी हर फील्ड में। तो ये चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी कि यार नहीं, इनका विषय संगीत है, ये मुझसे संगीत के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो मैं इनसे सीख सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये सही है और मैं गलत, ये मानना सीखने में, यही तो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। ये कह पाना कि आई डोंट नो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये कह देना कि हाँ मुझे नहीं मालूम है, मैं जानने ही तो आया हूँ। तो ये चीज़ें जब आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो हाँ आप भी सीख सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आप में नहीं है तो बचपन हो, जवानी हो कि बुढ़ापा हो, आप नहीं सीख सकते। अगर आप फिल्टर लगा रहे हैं, अगर आप पैसा सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार कितना समय, आप में जल्दबाजी अगर है तो बचपन में भी नहीं सीख सकते। बचपन में बस वो जल्दबाजी होती नहीं बच्चों में, या होती भी है तो हम उसे थोड़ा सा डांट फटकार देते हैं, रिश करो इसको चुपचाप, वो नियम से कर लेते हैं, थोड़ा भय से कर लेते हैं। ये भय बड़ों में नहीं होता कि हाँ ना गुरुजी कोई बात नहीं, गुरुजी के साथ थोड़ी दोस्ती ही कर लेते हैं और उनमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मांडवली कर लेते हैं कि अरे गुरुजी वो हमारा ये आ गया था, हमारे वो आ गए थे, बहाने। बच्चे अगर बहाने मारेंगे तो उन्हें डांट पड़ जाती है कि नहीं तुम तो बहाना मार रहे हो। बड़े अगर बहाने मारते हैं तो उसे जिम्मेदारी का नाम दे दिया जाता है। वैसे असल में भी होती हैं, मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि जिम्मेदारियाँ नहीं होती, बट ऑफकोर्स बहुत होती हैं, सैकड़ों जिम्मेदारियाँ होती है एक इंसान को। अगर एक परिवार, एक घर चलाना है, तो एक हॉबी की तरह वो संगीत सीखना चाह रहा है, फिर भी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप संगीत में एकदम आगे तक जाइए, पूर्ण गहराई जानिए, है ना, हर एक चीज़ को उतना डीप में सीखिए। कई लोगों का ये भी सवाल आ जाता है, इतना डीप में सीख के मैं करूँगा क्या या करूँगी क्या? बस वहीं सीखना रुक जाता है, एक प्रवाह रुक जाता है कि हम हमारी ज़रूरत अनुसार लेने की कोशिश करते हैं, छानने की कोशिश करते हैं उसे। जैसे ही छानते हैं तो ये समझ लीजिए कि मिनरल्स जो हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं छलनी में, और बाकी बाहर आ जाता है। कई बार ये भी होता है कि छानने में कचरा तो ऊपर रह ही जाता है और असल नीचे आता है, लेकिन कई बार मिनरल्स भी रह जाते हैं, है कि नहीं? कहते हैं ना कि नदी का पानी, स्वच्छ नदी का पानी पीजिए तो वो देखिए कितना उसमें मिनरल्स होते हैं, और हम बॉटल्ड वाटर पीते हैं तो कई बार उसमें मिनरल्स नहीं होते। ऐसी जो डिबेट्स चलती रहती हैं, वही संगीत को लेके भी हैं। हम छान लेते हैं, हमारी ये आदत समझदारी है हमारी। तो जब आप में समझ है तब सीखना थोड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को, सिर्फ संगीत नहीं, क्योंकि पर्दे हैं, फिल्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अंधविश्वास कीजिए अपने गुरु पे, ये मैंने कभी नहीं बोला। विश्वास रखिए, वो चीज़ करके देखिए। कई बार संगीत में ज़्यादातर जवाब आपको करने के बाद मिलेंगे, सिर्फ बातों से नहीं। अधिकतर सवालों के जवाब संगीत क्रियात्मक रूप से देता है, तो वो क्रियात्मक करने की क्षमता, समय, धैर्य आप में है क्या? एक स्टूडेंट के कई लक्षण मैं लिखता रहता हूँ अक्सर कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब की, जो जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। धैर्य होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। क्या आप निस्वार्थ हैं? क्या आप निश्चल हैं? अगर निश्चल निस्वार्थ हैं तो आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, है ना। ये तो रही मानसिक या भावनात्मक क्वालिटीज़। बाकी मेहनत जो एक्सरसाइज है,
कि आप उतना समय निकाल पा रहे हैं। जो समय निकालता है संगीत उसके लिए समर्पित हो जाता है। भावनात्मक तो मैंने बता दिया, अब एक ये प्रैक्टिकल चीज़ें भी आ जाती हैं। कोई बोले कि हाँ नहीं ये सब तो हम में है लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, प्राथमिकता नहीं दे पा रहे, तो फिर भी नहीं होगा। वो वाली बात भी है कि क्या हमने बोला है 4 बजे सवेरे रियाज करना है, क्या आप उठ पा रहे हैं, क्या आपका रूटीन वैसा बन रहा है। तो एक वो चीज़ भी होती है हाँ, कि बच्चों को उतना जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती जितनी बड़ों को करनी पड़ेगी, रूटीन में से काट काट के समय निकालना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में तो मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चों पे भी उतनी ही जिम्मेदारियाँ हैं। आप देख लीजिए एक बार, उन्हें भी उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, उस पढ़ाई के साथ 100 एक्टिविटीज़ और करनी पड़ रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों के पास तो बहुत समय होता है? बिल्कुल नहीं होता है उनके पास। मेरे पास तो ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जिसमें बच्चों के पास समय नहीं है, बड़ों के पास है। और बोलो है कि नहीं? तो वो चीज़ है, समय की बात है सारी, के समय आप कितना दे सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत घंटे देने हैं या बहुत ज़्यादा साल देने हैं, नहीं। थोड़ा सा नियमित रूप से अगर आप काम करें तो हो जाता है। दिन का आपने शेड्यूल बना लिया, अगर 2 घंटा देना है तो फिर नियमित रूप से कमरे में बंद करके अपने आप को वो 2 घंटा आपको अभ्यास करना है या अपना अध्ययन करना है। वो नियम सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ सीखने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है। तो क्या वो सैक्रिफाइसेस करने को आप तैयार हैं? शादी पार्टियों में जाना कम करना पड़ता है, दोस्तों के साथ घूमना कम करना पड़ता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी जीना बंद कर दो, नहीं, वो सब तो करना होता ही है भाई, अपने मानसिक विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके आप सीख पाते हैं, तब जाके वो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जो आप चाह रहे हैं। वरना आप लगे रहिए, रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है, फिर आप कहते हैं अरे छोड़ो यार क्या करना। हम रिजल्ट्स से ही तो आंकते हैं कि हमें कितना आया, तो वो रिजल्ट्स समय देने से मिलते हैं। खैर, इस पर और भी चर्चाएं हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, मगर मेरे ख्याल से मैंने मूल तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता दी होंगी। नहीं भी समझ आया तो जल्द एक और वीडियो लाऊंगा इसी टॉपिक पर या फिर किसी नए टॉपिक पर। ठीक है, शुक्रिया।